हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गदर पार्टी के बारे में। सो गदर पार्टी सबसे पहले बनी कब थी? 1913 में बनी थी। इनिशियली इसका नाम क्या था? इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, इसको फाउंड किसने किया था? इट वॉज फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस। इंडियंस मेनली जो पंजाबी थे उन्होंने इसे फाउंड किया था इन द USA एंड कैनेडा। बट वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो USA एंड कैनेडा इन एरियाज में रहते थे। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, बाद में चलकर इसका नाम फिर गदर पार्टी किया गया। अब एम क्या था इस गदर पार्टी का? एम क्या था, क्यों बनी थी, क्या इसका गोल था? सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स से अपने भारत देश को आज़ाद करवाना ही इनका गोल था। ठीक है, फिर एक की मेंबर्स। अब किसने फाउंड किया? की मेंबर्स कौन से थे इसके? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाकना। ये तीन नाम तो आपको टिप्स पे याद रखने हैं, जब भी गदर पार्टी आएगी तो आपको ध्यान होना चाहिए। 1913, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाकना। राइट, अब हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? हेडक्वार्टर्स थे सैन फ्रांसिस्को USA में। ठीक है, अब ये गदर पार्टी का नाम गदर कैसे पड़ा? एक वीकली पेपर आता था जिसका नाम था दी गदर। ठीक है, अब जो ये एक तरह से आप न्यूज़पेपर समझ लीजिए, राइट, दी गदर। तो इसका फर्स्ट इशू आया था 1 नवंबर 1913 में इशू हुआ था। और इशू किया क्यों गया था ये? टू कॉमेमोरेट 1857 रिवोल्ट, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी याद में ये जो वीकली पेपर था वो स्टार्ट किया गया था। इसी के आधार पर जो इसी के मतलब आप कह सकते हैं इसी के बेस पे गदर पार्टी बनी थी। कैप्शन मतलब जहाँ भी न्यूज़पेपर होता था उसके टॉप पे क्या आता था? अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज के दुश्मन है भाई हम, ऐसा उसमें लिखा हुआ आता था। ठीक है, तो गदर डिक्लेयर, गदर ने क्या डिक्लेयर किया? दैट वांटेड ब्रेव सोल्जर्स टू स्टेर अप रेबिलियन इन इंडिया। इंडिया में विद्रोह करने के लिए ब्रेव सोल्जर्स चाहिए। साथ में ये भी लिखा कि पे क्या होगी? डेथ। प्राइस क्या हो गया? मार्टिरडम मतलब शहीद हो जाएंगे। पेंशन क्या होगी? लिबर्टी, हमें बिल्कुल एक तरह से हमें फ्रीडम मिलेगी। फील्ड ऑफ बैटल क्या होगा? इंडिया। ठीक है, तो ये गदर के ऊपर ये सब लिखा रहता था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ द पार्टी क्विकली गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस एस्पेशली इन द USA एंड कैनेडा। अब जो USA में और कैनेडा में इंडियंस रहते थे उन्होंने इस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अपॉर्चुनिटी टू फ्री इंडिया, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया को विदाउट इंडिया के कंसेंट मतलब इंडिया के कंसेंट के बिना ही वॉर में डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उसके आउटब्रेक के बाद क्या हुआ, जो गदर पार्टी थी इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंडिया को फ्री करवा सके, क्योंकि लोगों में पहले ही लोगों में बहुत आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वाली भावना थी, तो उसको और वो यूज़ कर सकते थे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने। ठीक है, देन began to return to India in thousands for coordinated revolt. अब क्या हुआ, जो भी कैनेडा में USA में भारत के बाहर जो इंडियंस रहते थे मेनली जो पंजाबी इंडियंस रहते थे वो इंडिया वापस आने लगे हज़ारों में, क्योंकि उन्होंने coordinated revolt करना था मतलब एक विद्रोह करना था। इन coordination with whom? विद बंगाल revolutionaries, जो बंगाल के revolutionaries थे उनके साथ मिलकर एक विद्रोह करना था। बट एंड टाइम पे होता क्या है, ट्रीचरी मतलब इन्हें धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली एक्चुअल वर्ड मुझे ट्रीचरी भी स्ट्राइक नहीं करा, ट्रीचरी होता है कि एकदम पूरा प्लान था बट लास्ट में किसी ने धोखाधड़ी कर दी। ठीक है, नाउ दे सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ये मूवमेंट इतना स्ट्रांग था कि जो फ्यूचर में मूवमेंट्स होने थे उनके लिए एक बेस बन गया। ये प्रीडोमिनेंटली सिख, शुरू में भी नहीं आप कह सकते हैं कि इनिशियली ये सिख्स ने स्टार्ट किया था, कुछ नाम भी सिख जैसा था, तो सिखों का ये एक आंदोलन था। लेकिन बट इट इंक्लूडेड मेंबर्स एंड लीडर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों के लोग इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, सो ये तो चलो थोड़ी बहुत थ्योरी थी, बट जो हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। एंटायर जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। एंड जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, वो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी इंसिडेंट हुआ था नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे। ओके, सो सी यू सून।